पंजाब से अगले कॉलर हैं संदीप कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी संदीप जी, बोलिए, सवाल करिए। सर हमारे ना पेट में बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड रहता है जी, बैक और पेट, पेजाब भी बनता है, गैस भी रहती है, उसकी प्रॉब्लम पूछनी थी। मेरी एज क्या है आपकी? 35 है जी। संदीप जी, जितनी उम्र आपकी है, अभी इतने पुराने पेशेंट का फोन आया था, उनको इतने दिन से रोग था, आप तो अभी शुरू हुए हैं, और 5 गिलास गर्म पानी पिया करें, ठीक है? और अपने खाने में धनिया खूब डलवाया करें, धनिया और धनिया और ये लहसुन और अदरक, अपनी मम्मी से या जो भी घर में जिम्मेदार हैं उसे कहिए, इतना लहसुन, इतना धनिया, इतनी अदरक डाला करें। इससे भी आप ठीक हो सकते हैं बगैर किसी दवा के। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक नुस्खा मैं अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत से खूब बता रहा हूँ, ये अच्छा नुस्खा है। सौंफ का दाना, धनिए का दाना और मेथी का दाना और आंवला सूखा हुआ 200-200 ग्राम खरीदें। और एक रसायन आता है जैतून का रसायन, जिसे नमक जैतून भी कहते हैं, जो देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये 150 ग्राम खरीद कर इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाएं, एक एक चम्मच सुबह शाम आप पानी से लिया करें, खाने से पहले और बाद में, दोनों तरह से ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मैम जी बोलिए। मैम, मैं सर से डॉक्टर साहब से इनसे बात कर सकती हूँ? मेरी करवाना, मेरे हस्बैंड का ना पेट बहुत बड़ा है, मतलब बढ़ गया उनका ना, पहले तो था नहीं, अब वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए पेट पेट से। जी, तो एज उनके क्या है, पेट में ना दर्द रहती है। एज क्या है उनकी? 65, 66, 65। हाँ देखिए, एक तो मेरी तरफ से उनसे कहिए कि थोड़ा भोजन जितना करते हैं, अगर वो 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाने लगें कुछ दिन के लिए, 2 रोटी, ठीक है? और एक नुस्खा बना लीजिए, ये बहुत कामयाब नुस्खा है, दुनिया का कामयाब नुस्खा कहलाता है, ये आपके घर तक पहुंच गया तो आपको फ़ायदा देगा। लिख लें, धनिया का दाना 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला सूखा हुआ मिलता है 200 ग्राम और मेथी का दाना 200 ग्राम, इन सबको लें। और एक आता है जैतून का नमक, नमक जैतून या जैतून का नमक या जैतून का रसायन या जैतून का एस्टेक कहा जाता है इसको, 3 जबानों में अक्सर लोग जानते हैं, जैतून का रसायन या नमक जैतून, नमक जैसा होता है देखने में, नमकीन नहीं होता, इसको 150 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच पतिदेव को खिलाएं, आप देखेंगे फ़ायदा पहले दिन से होगा, लेकिन ये ख़त्म कर लें जब तक भी ये रहे, काफ़ी मटेरियल है। और घर में कोई और भी पेट का रोगी, गैस का रोगी, कब्ज़ का रोगी, बवासीर का रोगी, लीवर का रोगी या किडनी की परेशानी वाले रोगी, इन्फेक्शन के रोगी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं एमएस चौहान जी, स्वागत है आपका। मैडम हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब चौहान साहब, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी, हमारी आदाब। पत्नी सुनीता चौहान 54 साल की है, जिनको पैरों में दर्द 2 वर्ष से हो रहा है। बीच बीच में होम्योपैथी दवा ली तो ठीक हो गया थोड़ा बहुत। एक माह से दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, घुटनों में सूजन भी आ जाती है, पूरे पैरों की मांसपेशियों में अलग अलग स्थानों पे दर्द होता है, चोट ठीक है। के समान दर्द होता है, इनकी सोने की पर भी दर्द होता है, अपने ठीक आप ठीक हो जाता है। देखिए, 7-8 माह से पेट भी दर्द कर रहा है सर। ठीक है। हाँ देखिए चौहान साहब, आपने जल्दी फ़ोन किया, वरना तो 10-20 साल लोग इस तकलीफ़ को उठाकर फिर हमसे जुड़ते हैं। आप बहुत एक्टिव हैं जो बहुत जल्दी फ़ोन कर लिया। ये शुरुआत हो चुकी है हमारे कमर में नर्व दबने से, हमारी टांगों में खिंचाव दर्द होता है या खिंचाव होता है, सुन्न होता है, जलन होती है,
ये चार कैफियत कमर में नर्व दबने से होती हैं। आपके घर में यकीनन ये टॉयलेट होगा, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो लगवा लें। सिर्फ ये लगवाने से भी आप ठीक हो सकते हैं, आपकी पत्नी। और इसके लिए नुस्खा बहुत आसान है, मिलना ज़रा सा दुश्वार है। आप देखें, कोशिश करके गौन सियाह नाम का एक काला गौंद आता है जिसे गौन सियाह हम लोग कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लीजिए। कड़वा बहुत होता है, ब्राउन कलर का होता है। आप इसे 100 ग्राम भी खरीद पाए असली अगर, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद दिया करें, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं उन्हें दिया करें। आप देखेंगे ये आपकी पत्नी के रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर यूपी से पांडे जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर जी, हकीम जी प्रणाम। जी आदाब पांडे साहब। जी हकीम साहब, मेरी उम्र लगभग 25 साल है और मेरे आगे के बाल पूरे जा रहे हैं, तो मैं इसका इलाज चाहता हूँ, क्या हो सकता है आपकी यूनानी पद्धति? नजला, खांसी, बलगम, छींके कुछ आता है आपको? जी हाँ, छींके तो आती हैं, मौसम बदलने में छींके आती हैं और ये नाक से थोड़ा कफ निकलता है। अच्छा बेटा, देखो जिनको भी नज़ले की वजह से बाल उड़ रहे हैं तो उन्हें अपने नज़ले का इलाज करना चाहिए। और नज़ला, खांसी, छींके, बलगम उन लोगों को होता है जो जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है और ये बढ़ता चला जाता है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का इलाज करना चाहिए। और इस वक्त इम्यूनिटी की हर शख्स को ज़रूरत है, जो स्वस्थ हैं उनको भी, और आपको अपना ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी के कम लोग इस वक्त तकलीफ़ में आ सकते हैं। जो संक्रमण चल रहा है उसके लिए आपको इम्यूनिटी पर काम करना चाहिए, और बल्कि अपने घर वालों को भी ये एक खुराक ज़रूर खिलानी चाहिए। माजून आर केयर सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से खाएं। बाहर की चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें और 5-6 महीने अगर इलाज करें तो आपकी परेशानी ठीक हो सकती है। जी, चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं विजय रानी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, सवाल करिए अपना। मैडम मेरी एज ना 70 इयर्स है। ठीक है। और मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर मेरे को घुटने रिप्लेस कराने के लिए बोलते हैं। लेफ्ट साइड का घुटना थोड़ा आगे को निकला हुआ है, घुटनों में कहते गैप कम हो गया है जी। हाँ देखिए रानी जी, बस यही काम मत करना। 70 साल आपने खैरियत से गुजारे और अब आप ऑपरेशन मत कराना, मेरा आपको सुझाव है। मैंने कोई शख्स कामयाब नहीं देखा ऑपरेट होने के बाद। एक सुझाव अगर मेरा मान लें तो आप 2-4 महीने में पहले जैसे भी हो सकते हैं। सुझाव यह है कि एक तो हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लगवा लें। और दूसरा देखिए, एक तो दवा आती है जिसको कहते हैं कैप्सूल टी केयर, टी मतलब टाइगर, T4 Tiger कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, या तो सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद। देखिए फ़ायदा तो 5-10 दिन बाद करती है, 5-10 दिन बाद तक तो मुझसे कुछ मत कहना, लेकिन एक महीने ली तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप फिर शिकायत नहीं करेंगे बल्कि फ़ोन करके हमें सराहेंगी हमारे मशवरे को। और ये ले लीजिए, या कैप्सूल टी केयर या फिर गौन सियाह आता है, काला गौन। मैं सबको काला गौन ही बताता हूँ, लेकिन आप ऑपरेशन के करीब हैं इसलिए मैंने आपको दवा बताई कैप्सूल टी केयर। तो काला गौन भी एक ऐसा गौन है जो देखने में ब्राउन सा होता है, लेकिन गौन सियाह हम लोग कहते हैं, काला गौन। इसका असली मिलना ज़रूरी है, नकली बहुत मिल रहा है आजकल। तो ये अगर 100-200 ग्राम भी आपको मिल गया तो आपके रोग निवारण के लिए काफ़ी होना चाहिए। इसके खाने का तरीका है, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को, बग़ैर चर्बी के दूध से आपकी उम्र वाले, और पानी से या जूस से ले सकते हैं। और 5-10 दिन सब्र करना ज़रूरी है इसके लिए। ऑपरेशन से पहले ये ज़रूर कोशिश करें ताकि आप पूरी तरह ठीक हो सके। जी, अम्बाला से नेक्स्ट कॉलर नीतू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ हकीम जी से बात करनी है। जी नीतू जी, आदावर बताइए, क्या सवाल है?
मेरे को ना एक तो टॉयलेट जाने के बाद मेरे आंतों में और पीछे गुदा में बहुत ज्यादा दर्द होती है, और बिना नाश्ता किए ही मेरे को 2-3 बार जाना पड़ता है। और दूसरा, मेरे को 2-3 दिन से दिल इतना घटता है कि जैसे मेरी अभी जान चली जाएगी। तीसरा, मेरे ना ये पैर का अंगूठा सुन्न होता है, इसका कारण शुगर तो नहीं है? ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो अपना ये पेट की तकलीफ को आराम दीजिए, और उसके लिए देखिए आपके आपके वहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी आराम से, बादाम का गोंद, एक चीज़ आती है बादाम का गोंद, ये ले लीजिए। 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आप फ़ायदे में आ जाएंगे। इसको लेकर 100 ग्राम और ग्राइंडर में पाउडर बना लें, ठीक है। और इसका 1/2 से 1 ग्राम पानी में मिलाकर, पानी में डाल दें तो ये पानी को ही गाढ़ा कर देता है। 1/2 या 1 ग्राम पानी मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिया करें। कभी भी पी सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, जहां आपको आसानी हो। तो ये पेट की समस्या के लिए। अब शुगर की वजह से अंगूठा सुन्न नहीं हो रहा, बल्कि कमर में नर्व दबनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये आप वेस्टर्न टॉयलेट तो आपके घर में होगा, नहीं हो तो लगवा लें। और गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद, ये मिलता मुश्किल से है, नकली भी मिलता है, असली लेना ज़रूरी है। ये भी खाली 100 ग्राम खरीद लें, और 1/2 ग्राम सुबह 1/2 ग्राम शाम। रॉ मटेरियल लेना पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लिया करें रोज़ाना 2 टाइम खाने के बाद, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। शुगर की दवा खाते रहें, और शुगर का इलाज आपने नहीं पूछा इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। जी, यूपी से अगले कॉलर हैं नरेश सैनी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। सैनी साहब बताइए। सर, हमको 2 साल से अनिद्रा समस्या, नींद बिल्कुल नहीं आती, एलोपैथिक दवाई हम करवा रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, दवा बंद नहीं हो रही। जी कोई बात नहीं सैनी साहब, हम आपको एक ऐसी दवा बताते हैं जिसके पहले दिन के इस्तेमाल से आपको काफ़ी लाभ होने लगेगा। देखिए, जैतून का सिरका आता है, लिख लीजिए आप जैतून का सिरका, और सुबह शाम रात में, मतलब सोने के टाइम जब हो जाता है, 3-4 चम्मच पानी में मिला के रोज़ पी लिया करें। अब यकीन करें, 1 घंटे के अंदर आपको इतना सुकून और दुनिया के गम भुला देंगे, और लेटते चले जाएंगे और सुबह को तक गफलत की नींद सोएंगे। दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 बार लेना, नहीं तो 1 ही बार काफ़ी है, जैतून का सिरका। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं राम मोहन जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहे हैं, से बात आ करना है। जी जी जी, हम आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है सर कि हमारे पेट में गड़बड़ी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, और गैस जो है सिर में चढ़ जाती है। ये नुस्खा हर घर में होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, और क्योंकि सारे रोग हमारे पेट से शुरू होते हैं, और फिर वो चाहे सर में चले जाएं, चाहे हमारे कोई और रोग बन जाए, लेकिन पेट बीमारियों की जननी है। और ये नुस्खा दुनिया का मशहूर नुस्खा और कामयाब नुस्खा कहलाता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लिख रहे हैं तो ये नुस्खा आपका है, जो लोग लिख रहे हैं बस उनका है ये। आप लिख लीजिए कि धनिया का दाना, धनिया 200 ग्राम, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मेथी, 200 ग्राम सूखा हुआ आंवला, 200 ग्राम मेथी का दाना और 200 ग्राम आंवला सूखा हुआ, ये 4 चीज़ें लीजिए। और 150 ग्राम आपको ख़रीदना है नमक जैतून, जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, लेकिन ले लीजिए 150 ग्राम, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट लें, और 1 चम्मच रात को खाने से पहले आप पानी से लिया करें। आप देखेंगे फ़ायदा तो आपको बहुत जल्द होने लगा, लेकिन
आपको ये पूरा नुस्खा ख़त्म करना है, और हर घर में ये अगर रहे तो रोग मुक्त घर भी हो सकते हैं।